हाँ मैम ठीक हूँ, तुम पैनिक में मत आओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ पे मत आया करो। काजियान के बाद अगर मेरी मामा को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। अब आपके प्रेजेंस मुझे बेडसाइड टेबल से मिलेंगे। एक सेकंड, रुक जाइए। देखिए डॉक्टर साहब, जरूरी नहीं कि जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ हो आपके लिए हो। काजियान को ढूंढ रही हूँ। है भी अक्सर ढूंढती रहती। हमें अपना डर कंट्रोल में रखना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है ना तो फिर ख्वाबों के रंग बदल जाते हैं और फिर ख्वाबों से डर नहीं लगता। ट्रस्ट मी। थैंक्स डॉग। आप क्या रात के बीच में कुछ खाने आए? कुछ बना दो आपकी। वैसे भी आज से सब कुछ मुझे ही बनाना पड़ेगा। माइट वेल गेट यूज्ड टू इट। पतीला कहाँ है? सॉरी, आई डोंट डू दिस वेरी ऑफन एज यू नो। ठीक, पतीला। क्यों रूहों की तरह हर वक्त मंडलाती रहती हो तुम? कितनी दफा कहा है तुम्हें कि मेरे सामने मत आया करो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? क्यों तुम मेरे जब्त का इम्तिहान लेती हो? अगर आप काजियान की पुप्पो ना होती ना तो मैं आपको इस बात का जरूर जवाब देती। सच बताऊं,
मुझे बाप पे तरस आता है, तरस। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करोगी, तुम्हारी ये हिम्मत। हक रखती हूँ, इसलिए जवाब देने की भी हिम्मत है, और आज आपको मेरा साथ सुनना ही पड़ेगा। आपका हर रूप आपको जिंदगी से, खुशियों से और रिश्तों से, हर चीज से दूर लेकर जा रहा है। तुम अपने ड्रामे अपने पास रखो जुबारिया, अब तुम मुझे बताओगी कि सच क्या है, रिश्ते क्या होते हैं। तुमने कौन सा रिश्ता निभाया अब तक? सरतापा शर्मिंदगी और बदनामी हो तुम। आप मेरी बात छोड़ें, मैं जरूर गलत हो सकती हूँ, लेकिन आप अपने साथ ना होने दे मजीद गलत, प्लीज। खामोश होती हो या? जिंदगी बहुत छोटी सी है, सिर्फ 4 दिनों की, वो दिन तो आपने अपने साथ लड़ने में गुजार दिए, प्लीज 2 दिन जी के देखें। वो और लोग होंगे जो तुम्हारी मासूमियत पर मरते हैं, मेरे भाई को तो तुम्हारी सादगी के ड्रामे ने पागल कर दिया है, लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हारे किसी ड्रामे में नहीं आऊंगी, और आइंदा अगर तुमने मुझसे इस लहजे में बात भी की तो मैं 1 सेकंड से पहले तुम्हें बाहर भेज दूंगी। ज़किया, ज़किया क्या हुआ? ज़किया, अनेस, अनेस आ गया। जी बाबू, क्या हो गया? मामा, मामा जी, उठो, क्या हो गया? उठो, मामा उठो, उठो, उठो। हेलो भाईजान, खैरियत? इस वक्त आप रो क्यों रहे हैं, बताएं तो सही मुझे। क्या हुआ सकियक, क्या हुआ सकियक? ओ नो, ओ नो। सिचुएशन बहुत खराब है, अपने सारे पेशेंट्स की फैमिलीज को झूठी तसल्ली नहीं देता, इसलिए आप सबको भी नहीं दूंगा। उनका ये कोमा 4 दिन का हो सकता है, 4 महीने का या 4 साल का, और फिजिकल डिसेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा। सच किसी की जान भी ले सकते हैं, ये सोचा आपने? आपके 4 दिन 4 महीने 4 साल की प्रैक्टिकल थ्योरी किसी की भी जान ले सकती है, नहीं सोचा? क्यों? इसलिए कि वो औरत जो अंदर आखिरी सांसें ले रही है वो आपकी सगी माँ नहीं है, इसलिए कह देना इतना आसान है। क्या हो गया निम्रा? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोगों की जिंदगियां बचाई जाती है, ये जिंदगी लेने की बातें क्यों कर रहे?
अगर वो इनकी सगी माँ होती तब भी ये ऐसे ही कह देते। मेरी मामा की फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब पता है आपको? अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कभी किसी पर डिपेंड नहीं की। अगर वो ये सुनोगी तो मर जाएंगी। बस इस सब की जिम्मेदार तुम हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। तुम जुबारिया को क्यों ब्लेम कर रही हो? मैं जुबारिया को ब्लेम नहीं कर रही। मुझे अब यकीन है कि जहां जुबारिया है वहां पर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आहिस्ता बोलो, मैंने तुमसे कहा। बैठो। वैसे निम्रा ठीक कह रही है, मामी की डिसेबिलिटी ना उन्हें मंजूर होगी और ना ही हमें। क्या कहते हो? झूठ बोलता है। सबको झूठी तसल्ली दो, मुझसे और नहीं होगा। इतना सच भी नहीं बोलते। कुछ लोगों में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं होती। जानता हूँ, सबके बाद आपको बर्दाश्त होने की सबर नहीं है। मेरे ख्याल में ये गलत बात को सुनना और खामोश रहना सबसे बड़ा जुर्म है। निम्रा को तो गलत इल्जाम लगाने की आदत है। इट्स अनहेल्दी एंड अनएथिकल बिहेवियर। और हर बार उसकी तरफ से क्यों? आपने मेरे बोलने का नतीजा देख ही लिया। अब ये क्राइम भी मेरे ही सर पर। सारी जिंदगी मुझे इसकी सजा मिलती थी। कैसी बात? निम्रा जैसी है। निम्रा उस समय बहुत कुछ कह देती है, लेकिन दिल में वो किसी के खिलाफ नहीं होती। बेहद पॉजिटिव है, शायद हद से ज्यादा। काश मैं आपकी तरह हूं। निम्रा को इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आप उसके बड़े भाई हैं और उसकी मम्मी के डॉक्टर भी। वो सिर्फ आप पे इत्तबार कर सकती है अभी। आप प्लीज एकदम आगे बढ़े, उसको अपने होने का एहसास दिलाएं। मेरा होना ही सबसे बड़ा जुर्म है, कोई फर्क नहीं। अगर ना होता तो फैमिली में कोई इशू ही ना होता। सब खुशी से सुकून की जिंदगी जी। इस तरह तो मैं भी सोचती, लेकिन हमारे सोचने से हमारी किस्मत नहीं बदल जाती। हाँ, लेकिन पॉजिटिव रहने से हम कुछ ना कुछ जरूर बदल सकते हैं। अच्छी बातें कर लेती है। आप मेरी अच्छी बातों को छोड़ें, आप खुद अच्छे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ मामी की बातों ने आपको बहुत हर्ट किया होगा, और वो सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्यार नहीं तो इज्जत की जगह तो बना रहे अपने दिल में। आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया।
जो अपने माँ बाप को मुश्किल में नहीं डालता ना, रब उसके लिए हमेशा आसानी करता। मुझे तुमसे बात करनी, तुम मेरी बहन, यू शुड बी फाइन। वैसे मुझे किसी ने बताया कि तुम गुस्से में बहुत कुछ कह जाती हो, लेकिन दिल में किसी के खिलाफ कुछ नहीं रखती, ये सच है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इमरान, मुझे बात करनी पड़ेगी, आई हैव नो चॉइस, क्योंकि मैं तुम सबकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। ओके? मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी मामा को माफ कर दीजिएगा, मुझसे उनकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। अमला, मुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती, ये फिक्र ना करो, मैं सारी टीम कोशिश कर रही है। ठीक हो जाए, मैंने सारी फाइल्स डॉक्टर बर्न्स को भेज दी, वो मेरे सीनियर हैं और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज की स्पेशलिस्ट हैं, बहुत रिसर्च किए हैं, डोंट वरी। ओके, ठीक हो जाए। मामा आपसे बिना वजह गुस्सा करती थी आप पर, आप उन्हें माफ कर देंगे ना? ठीक ना, जितना मेरे बच्चे को छिड़के बच्चे का कभी हक नहीं रहता तुमसे बदला। भाई, मामा ठीक हो जाएंगी ना? मत रो, मत रो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले हमें इस दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। जिंदगी अजम्पशन से नहीं गुजरती, जैसे तुम्हारा मेरा ये रिश्ता सच है ना, वैसे मामा की क्रिटिकल कंडीशन भी अनफॉर्चुनेटली सच है। प्लीज मत रो, सच से बदगुमान नहीं होते, सच को कबूल करना पड़ता है, तभी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। ओके? नहीं गलती मेरी है, मुझे ज़किया के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे भी उस वक्त क्या हो गया था। गलती तो हुई है तुमसे, तुम सारी उम्र एक गलत बात पर उसे सपोर्ट करते रहे हो, लेकिन खैर इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब इन बातों का क्या फायदा। अच्छा तुम आराम करो, मैं ज़किया के पास चलता हूँ, घर के सभी लोग अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो सारे बीमार हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, वैसे भी परेशानी की उम्र बहुत लंबी होती है, खुदा करे उसे घर का सुख नसीब हो। हाँ। देखो अनस, इस घर का चैन उसी दिन चला गया था जिस दिन गाजिया ने जुबारिया से शादी का ऐलान किया, उस दिन के बाद से कुछ भी तो ठीक नहीं है यहाँ, और अब आंटी जी और जुबारिया के मसले, एक भी दिन सुकून का नहीं मिला मुझे। सबा, मामा हॉस्पिटल में, वो तुम्हें अपने सुकून की पड़ी है, प्लीज जाहिल औरतों वाली बातें ना करो मेरे साथ। जाहिल औरत कह रहे हो मुझे?
जब अपने घर पे आती है तो सब मर्दों को औरतें क्यों जाहिल लगती हैं? ये बात उसी दिन होनी चाहिए थी जिस दिन मैं इस घर आई थी। और कब तक अनस, कब तक अपने मामू के घर को अपना घर कहते रहोगे? और सुन लो, जब तक हालात ठीक थे मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब नहीं। हालात अभी भी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जा रहा हूं मैं हॉस्पिटल, लेती रहो यहां पे अपनी टेंशन। अनस, मुझे मेरा घर नहीं लेके दे सकते हो तो बताओ, मैं अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाती हूँ। जो कुछ सबा ने कहा उसके लिए I'm sorry। वो दिल से बुरी नहीं है, जाने देना उसको। अल्तमिश, I'm really sorry, मुझे फॉरन हॉस्पिटल पहुंचना है, जुबारिया को अभी भी हॉस्पिटल लेके आए। ठीक है अनस, जाओ हॉस्पिटल जाओ, घर रहो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहूंगी। अनस, मुझे मेरा घर नहीं लेके दे सकते हो तो बताओ, मैं अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाती हूँ। और वैसे भी वारिस अंकल कह चुके हैं कि जुबारिया का घर है, यहां पे रहने का कोई जवाब नहीं बनता मेरा। सभा की बात इतनी गलत भी है, शायद वक्त गलत है, लेकिन तुम वो गलती मत करना जो तुम्हारे माँ बाप ने की। घर बनते बहुत देर में है, लेकिन टूटने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। I'm sorry बच्चे, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये घर जितना मेरा है उतना ही ज़किया का भी है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ज़किया वहां रहे जहां वो अकेली ना हो। अंकल, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो, उसमें कोई हिस्सेदार ना हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसा ही होगा अनस, ज़किया हॉस्पिटल से घर आएगी। और सबा, अगर तुम अपने माँ बाप के घर जाना चाहो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारा अपना घर कंस्ट्रक्शन के आखिरी मराहिल में है। मैं जब पाकिस्तान आया था तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम्हारा और निमरा का अपना घर हो जिसमें कोई हिस्सेदार ना हो। थैंक यू अंकल। जाओ, जुबारिया, जो कुछ सबा ने कहा उसके लिए I'm sorry। वो दिल से बुरी नहीं है, जाने देना उसको। सॉरी, मैं नाराज नहीं हूं, आप उसे जाके मनाओ। मैं मामा को लेकर आता। सॉरी। Thank you.
तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा दिया है कि तुम सारी जिंदगी भी चाहो तो इसको कफारा नहीं अदा कर सकते। ये धोखा नहीं है ज़किया, मेरा माजी है और मैं अपना माजी बहुत पीछे छोड़ आया हूँ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कौन सा कमाल कर रहे हो, जिम्मेदारी तो घर में रखे हुए मुलाजिम भी पूरी कर लेते हैं। अब तुम इस रिश्ते की तौहीन कर रही हो। तौहीन? मैं तौहीन कर रही? तौहीन तो तुमने की है मेरी, मुझसे झूठ बोलकर, मुझ पर दूसरी औरत लाकर, मुझसे शादी का झूठा रिश्ता बनाकर। फॉर गॉड सेक ज़किया, आवाज ऊंची कर लेने से तुम्हारा जुर्म नहीं छुप सकता। एक बटा हुआ मर्द मुझे देख क्या सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, ना एहसास कर रहे हो, ना मोहब्बत की नई लगन, सब कुछ लुटा चुके हो तुम। और मैं ऐसी गई गुजरी नहीं हूं कि इस्तेमाल शुदा चीजों को अपना समझने लगूं। सखिया प्लीज प्लीज रुको, मेरी मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो वारिस की और मेरी दोस्ती का मान टूट जाए अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफात है तो हम खुद उसे खत्म कर सकते हैं, प्लीज। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, इट्स ऑल ओवर नाउ। ज़किया प्लीज, ज़किया मत जल्दबाजी करो, ज़किया प्लीज मेरी बात सुनो। ज़किया तुम बहुत गलत कर रही हो, प्लीज अपने बच्चों का तो सोचो, हमारे झगड़ों की वजह से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ज़किया प्लीज, हमारे बच्चे, हमारे नहीं सिर्फ मेरे बच्चे, अनस और निम्रा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। और मैं इतनी मजबूत हूं कि मैं अपने दोनों बच्चों को माँ और बाप बनकर पाल सकती हूँ। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं नहीं, मैं अपने बच्चों से बगैर टूट जाऊं। तुम्हारे पास है ना तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी, जायज है ना जायज। ज़किया बस, मैं अपने किसी रिश्ते की और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जाना चाहती जाओ, मैं आइंदा तुम्हें कभी किसी रिश्ते का वास्ता नहीं दूंगा। अब इसके बाद वापस मत लौटना, अगर मर भी गया ना तो तब जाओ। बाबा, अब आप दोनों कभी झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, खफा तो नहीं होंगे? ये नाराज होना, मनाना एक दूसरे को, फिर झगड़ा करना, ये तो जिंदगी का हुस्न है। लेकिन आपके और मामा के दरमियान जो कुछ भी चलता है वो बहुत लंबा चलता है, तो प्लीज अब और नहीं, आप अपनी हुस्न भरी जिंदगी को खैरबाद कहते हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का साथ उसे मुकम्मल करता है। आज हम भी मुकम्मल हो गए। मेरा ये मकान घर हो गया, अब तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सब खराब होने के बाद ठीक हुआ भी तो क्या फायदा। ज़किया, मैं गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचना नहीं चाहता और ना आप। और ना तुम कुछ ऐसा सोचोगे। तुम कोमा में थी, ये मेरे रब की मेहरबानी कि उसने मेरी दुआएं सुन ली और मेरे बहुत बड़े बड़े बच्चों की बहुत जिद्दी मां को एक नई जिंदगी दे दी। मेरी डॉक्टर बर्न से बात हो गई, उनकी केस स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कल तक मुझे अपनी फाइंडिंग्स बता दो। ओके भाई, आपको यकीन तो है कि मामा ठीक हो जाएंगी? मतलब वो चल तो सकेंगी ना? छोटी, देखो कभी कभार ऐसे केसेस में ब्लाइंड फेथ रखना बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू ट्रस्ट। और सच तो ये कि एक डॉक्टर आखिरी सांस तक कभी उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ता। जहाँ तक अम्मा की बात है, हम सब पॉजिटिव सोच कर रहे हैं। जस्ट अच्छा अच्छा सोचो और बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। भाई आज पहली बार आपने मिसेस कबीर को मम्मी कहा है। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचाए। अरे छोड़ो, ऐसी चीजें मुझे छू के भी नहीं जाती। जहाँ तक अम्मा की बात है, इनका सदका जरूर। बिल्कुल जी, बाबा कहते हैं कि सदका हर बुरी बला को टाल देता है। बहुत सी बुरी बलाएं टल चुकी हैं और इंशाल्लाह बाकी बलाएं भी टल जाएंगी। देखिए, मुझे घर के इतने सारे काम करने और मैं आपके साथ बातों में लग गई। आप आज हमारे साथ डिनर करेंगे ना? प्लीज फारा भाभी को कह दीजिएगा आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बस हम थोड़ी देर में निकलते हैं। और देखो प्लीज खाने में ज्यादा मेहनत ना करना, हम बाहर से उठा लेंगे कुछ। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। बाय। जी डॉक्टर नवीन, इज एवरीथिंग ओके? व्हाट? और आप मुझे अभी इन्फॉर्म कर रही हैं? आप फौरन जुबारिया का हार्ट रेट मॉनिटर करें एंड मेक श्योर यू डोंट गिव हर एनी पेन किलर्स। बेबी पे इफेक्ट भी हो सकता है। आई एम ऑन माय वे, मैं अभी आ रही हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, तैयार हैं आप? अब्बा क्या जाना है? अल्तमिश, आई एम रियली सॉरी, मुझे फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। जुबारिया को अभी भी हॉस्पिटल लेके आना है। फारा लिसन, डोंट स्ट्रेस, आपके सीनियर डॉक्टर्स हैं संभालने के लिए, डोंट पैनिक। अल्तमिश, आई हैव बीन हैंडलिंग हर केस फॉर द लास्ट 7 मंथ्स। मैं किसी भी डॉक्टर को उसका केस नहीं दे सकती एंड आई नो हाउ प्रिकेरियस अ सिचुएशन इज। इस वक्त उसका स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि कोई भी मेडिकेशन असर नहीं कर रही है एंड आई एम द ओनली वन हु नोज हर एंड हर केस। सॉरी अल्तमिश, मैं नहीं जा सकूंगी आपके साथ, प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। It'll be okay. Come on. मामी, मामी प्लीज डॉक्टर फरा को कॉल कर ले। मामी बहुत दर्द हो रही है, इतना तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो जूबी? ये दर्द तो दुनिया का हसीन तरीन एहसास बन जाता जब माँ की गोद भरती है। फरा रास्ते में पहुंचती होंगी, बस तुम गहरे गहरे सांस लो, गहरे गहरे सांस लो। शाबाश शाबाश, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी देर की बात है मेरी जान। इनका बीबी बहुत हाई है, मैं डॉक्टर नवीन को बुला के लेके आती हूँ। आप कॉल करें ना डॉक्टर फारा को, कॉल करें प्लीज, कॉल करें। आई एम कॉलिंग हर। हेलो डॉक्टर फारा, Thank you.
समझ प्लीज गाड़ी जल्दी चलाइएगा, मेरे लिए नहीं तो जुबारिया कर सोच के। कभी कभार रूल्स तोड़ देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं आता, तुम जानती हो कि रूल्स तोड़ने का नतीजा क्या होता है, फिर भी तुम वही करना चाहती हो। तुम्हें साल में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तुम्हें साल में हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहिए, फिर तुम वही करना चाहती हो, तुम्हारा दिल चाहता है, दैट्स ऑल। समझ, मुझे इस वक्त सिर्फ जुबारिया की फिक्र। आइए बता प्लीज। इस वक्त सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अंडरवेट वो थी, अब उसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो, मुझे लगता है कि प्रीमैच्योर डिलीवरी होगी। अल्तमश, आई एम नॉट इवन श्योर कि बच्चा सर्वाइव कर सकेगा या नहीं। वैसे आप जानती हैं कि प्रीमैच्योर बर्थ में वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपने अंकल के बारे में बताया है सर? I mean, there could be issues with the eyes, with the heart, worst of all with the brain. Abnormalities aa sakti hain. Is waqt sabse bada issue ye hai ki bacche ko maternal blood flow nahi tha. Maine Zubaria se kaha tha ki hum ye pregnancy maintain karke risk le. Magar use bachcha chahiye. Kisi ki baat nahi sunti. Saans se mil gaya. Bilkul aapki tarah ziddi hai. I don't want to argue. आप गाड़ी थोड़ी तेज चला सकते हैं प्लीज? इससे तेज नहीं हो सकती, स्पीड लिमिट देखना चाहिए। क्या हुआ? मुझे ब्लड का सफिशिएंट स्टॉक चाहिए होगा, मैं ब्लड बैंक जा रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं जिस चीज को चाहता हूँ मुझसे छिन जाती है। बतरीन मेरे नसीब में इतने इम्तहान क्यों लिखे? मुझे हम दुआ करें, हमारे जूनियर को कुछ नहीं होगा। जुबारिया की जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं है? हम दोनों बिल्कुल सेफ होंगे इंशाल्लाह। अब डॉक्टर फारा पर भरोसा रख। डॉक्टर फारा आई क्यों नहीं? वह है कहां? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा उसे, मैं अभी फारा को देखता। कुछ नहीं होगा उसको मामू जान। उनकी रिपोर्ट्स को देखकर मुझे पूरे यकीन है कि मामा बहुत जल्द चल फिर सकेंगे। तुमने वाकई साबित कर दिया है कि तुम उसके बेटे। उसकी शक्ल बिल्कुल गाजियान जैसी है। ये बेबी अभी तक डेंजर से बाहर नहीं है, उसकी जान अभी तक बहुत खतरे में है। अगर उसकी जिंदगी लिखी हुई तो मेरी गोद में ज्यादा सेफ रहेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैनू सैया सैया वे।